पिछले दिनों जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने परिणाम निकाले तो एक सब्जी बेचने वाले की बच्ची मेरे गेट पर आकर खड़ी थी। मुझे सुरक्षा के लोगों ने कहा कि साहब एक बच्ची है, आई हुई है, मिलना चाहती है। मैंने बुलाया, मिठाई लेकर के आई। उसने कहा कि साहब हमने सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हमारे पिताजी सब्जी बेचते थे ठेले पर, अब ऐसे लोग चयनित हो रहे हैं जिनके पास योग्यता है, जिनके पास प्रतिभा है। पिछले 3 वर्षों में 30,000 सरकारी नौकरियां देने में हमें सफलता मिली है। पारदर्शी तरीके से दी गई है, किसी की सिफारिश पर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती, ये व्यवस्था खत्म हो गई। जिन मामलों में शिकायत आई है उसकी जांच CBI से कराई गई है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसने भी जो भी उसमें दोषी पाएगा, भारत के संविधान और कानून के अंतर्गत कठोरतम दंड उसे ऐसा मिलेगा कि भविष्य में कोई साहस न करे इस तरह की गलती करने का। 20,000 पदों की भर्ती आने वाले महीनों में, 2 महीने में हम विज्ञापन निकाल कर करना चाहते हैं। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हुई, अंतिम व्यक्ति का साक्षात्कार समाप्त हुआ और उसके 3 घंटे के भीतर परिणाम घोषित कर दिए गए। शायद ये जम्मू कश्मीर नहीं, देश के किसी राज्य में ये पहली घटना है। 20-20 साल, 21-21 साल से लोगों के प्रमोशन रुके हुए थे अनेक विभागों में, और जानबूझकर रोका गया था कि योग्यता प्रतिभा का कैसे हनन किया जाए, अपने पसंदीदा लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 2001 से 2000 से रुके हुए सारे प्रमोशन कर्मचारियों के कर दिए गए हैं।